नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। तिरोड़ी में एक कब्बे और गौरैया की मौत, बर्ड फ्लू की आशंका। शनिवार को तिरोड़ी नगर के धन्यवाद चौक में आशीष मंडलेकर की दुकान के सामने एक कौवे और एक गौरैया के अचानक मृत पाए जाने पर बर्ड फ्लू की आशंका के चलते इसकी सूचना पशु चिकित्सक को आशीष मंडलेकर द्वारा दी गई, जिसके बाद सहायक पशु चिकित्सक आर के वाघमारे द्वारा मौके पर पहुंचकर कौवे और गौरैया को बरामद कर सीरम रिजर्व किया गया, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी कौवे और मुर्गियों के मृत पाए जाने पर इसको जांच के लिए भेजा गया था, पर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। देश के अलग अलग राज्य में बर्ड फ्लू के मामले आ रहे हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा है फिर भी कौवे और गौरैया को जांच के लिए भिजवाया जा रहा है। इसके पहले भी कौवे और मुर्गियों के मृत पाए जाने पर उनको जांच के लिए भेजा गया था, पर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तिरोड़ी से पंचायती राज के लिए अमित जैन की रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए। आप मैं आर के बागमारे जी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पशु चिकित्सालय तिरोड़ी में कार्यरत जी। ये तिरोड़ी में धन्यवाद चौक में एक मामला आया है जी कि दो पक्षी मृत अवस्था में पाए गए हैं, तो इस विषय में क्या जानकारी है आपको और प्रथम दृष्टया क्या लगता है किन कारणों से इनकी मृत्यु हुई है? अब ये तो सर बर्ड फ्लू का वो चल रहा है, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है अभी तक कि अपन ने भोपाल में भिजवाए हैं, तो इसमें बर्ड फ्लू का कहीं पुष्टि नहीं की गई है। फिर भी अपन इसको जांच के लिए भिजवा रहे हैं, बालाघाट भिजवा रहे हैं, यहाँ से जाँच हो जाएगी, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तभी अपन बता पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे कि क्या है। कौन कौन से पक्षी पाए गए हैं मृत अवस्था में? अभी तक के तो सर कौवे और मुर्गियाँ भर समझ में आई है, मुर्गियाँ दो चार दिखी है, उसका भी सिंपल भिजवाया था अपन ने, तो उसकी रिपोर्ट अभी मतलब नहीं मिल पाई अपने को। वर्तमान में कौन कौन से पक्षी पाए गए मृत अवस्था? वर्तमान में कौवा है और ये जो छोटे वाले जो पक्षी बर्ड,